बहनों भौजियों को हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। मंच पर बैठे हुए मेरे अग्रज छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, शायद सबसे साहसी मुख्यमंत्रियों में से एक भूपेश बघेल जी, आपका मेरी धरती पर मेरे घर पर बहुत बहुत स्वागत है। हम सब इंतजार कर रहे हैं अखिलेश यादव जी का। मंच पर बैठे हुए तमाम वरिष्ठ नेतागण और महाराजगंज लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री वीरेंद्र चौधरी जी, बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी है। बहुत सुबह से आपने भाषण सुने, आप अपने नेता को सुनने के लिए बेचैन हैं और हम सब लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। बस एक बात वीरेंद्र चौधरी जी के लिए कहूंगी और वो ताकत आपसे मिलेगी। खम्ब ठोक ठेकता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और वही ऐतिहासिक परिणाम, वही ऐतिहासिक जीत इंडिया गठबंधन की, वीरेंद्र चौधरी जी की, राहुल गांधी जी की, अखिलेश यादव जी की, महाराजगंज की, वो पूजनीय जनता करने जा रही है जो आपने कभी मेरे पिता के साथ किया था। मुझे फक्र है इस बात का कि मैं आपके रहनुमा, आपके नेता हर्षवर्धन जी की बेटी हूं, जिन्होंने अपने अंतिम क्षण तक महाराजगंज को अपने दिल में बसाए रखा। और मैं बहुत ज्यादा बातें ना करते हुए सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, वोट डालिएगा तो याद रखिएगा 45 साल की बेरोजगारी, याद रखिएगा 100 रुपए का पेट्रोल, याद रखिएगा आटा दही पढ़ाई दवाई सबका, कि क्या ये देश इस संविधान से चलेगा या ये देश एक व्यक्ति की मर्जी से चलेगा। ये चुनाव तय करेगा कि क्या युवाओं की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, किसानों की, श्रमिकों की, महिलाओं की आवाज से ये देश चलेगा या एक आदमी के मन की बात से ये देश चलेगा। तो इसलिए अपने वोट की ताकत को पहचानिए, क्योंकि ये लड़ाई संविधान बचाने वालों और संविधान खत्म करने वालों के बीच में है। ये लड़ाई उन लोगों के बीच में है जिन्होंने समाजवाद का झंडा उठाए रखा। ये लड़ाई मुलायम सिंह यादव और लालू यादव की सौ बीच में है। ये लड़ाई अखिलेश यादव और उन लोगों के बीच में है जो मंदिर से उनके निकलने के बाद उस मंदिर को धोते हैं। कर्ज है आप पर अखिलेश जी की आबरू का, कर्ज है आप पर राहुल गांधी की सदस्यता का। एक एक वोट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताइए और दिल्ली में बैठे हुए उस हुक्मरान और तानाशाह को बताइए कि ये देश की जनता है, हम आपकी प्रजा नहीं। सारे देश में घूमकर आ रही हूं, यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, साउथ में भी बहुत सारी जगहों से। और एक बात पानी की तरह साफ है, 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है, आपकी सरकार आने वाली है। लिख कर ले लीजिए, आपकी बेटी आपसे यह वादा कर रही है। आपसे एक बात जरूर कहूंगी, 6 चरण का मतदान बीता और इस देश ने प्रधानमंत्री के अलग अलग रूप देखे। वो इतना बौखला गए हैं, इतना घबरा गए हैं कि अब वो कह रहे हैं मैं बायोलॉजिकल ही नहीं हूं, मैं परमात्मा का दूत हूं, ऊपर से टपका हूं, मेरे अंदर दैवीय शक्ति है, मैं अविनाशी हूं। तो बता दीजिएगा उनको कि ऊपर से टपके हुए परमात्मा से ये देश नहीं चलेगा, ये देश आपके चुने हुए नेताओं से, आपके चुने हुए प्रतिनिधियों से, आपके चुने हुए सांसदों से चलेगा। इस बात का फैसला आप करिएगा और उनको बताइएगा जरूर। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े बड़े वादे किए थे, 15 लाख सबके अकाउंट में आए, 30 करोड़ रोजगार बनना था, किसान की आय दुगनी होनी थी। हमारे महाराजगंज में जिसको चीनी की तस्करी कहा जाता था, 5-5 चीनी मिले, गड़ारा की यह चीनी मिल मेरे पिताजी ने शुरू करी थी, सारी चीनी मिलें बंद करने का काम आपके नाकारे और निकम्मे सांसद ने किया है, 30 साल रहकर किया है। आपका सांसद मंत्री बन गया लेकिन आनंद नगर से गुगली वाया महाराजगंज की रेलवे लाइन को नहीं जोड़ पाया। आपका सांसद मंत्री बन गया, उत्तर प्रदेश में तमाम जगह कल कारखाने खुले लेकिन महाराजगंज में एक भी कल कारखाना नहीं खुला। हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को, हमारे होनहार लोगों को दूर दूर तक नौकरी के लिए जाना पड़ता है। मैं पूछना चाहती हूँ, 30 साल झुनझुना बजाने के लिए चुना था महाराजगंज ने, तो वही महाराजगंज अब गाजे बाजे के साथ आपकी विदाई करेगा। सामने
एक ऐसा प्रत्याशी है जो आपके बीच के हैं, आपके घर के बेटे हैं, आपके घर के भाई हैं। आपने विषम परिस्थितियों में फरेंदा की देवतुल्य जनता ने उनको अपना विधायक चुना और अब मैं आपसे हाथ जोड़कर और हक से आपकी बेटी और बहन होने के नाते वीरेंद्र चौधरी जी के लिए आपका महत्वपूर्ण वोट मांगती हूँ और कहती हूँ ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपके दुख, आपके दर्द, आपकी तकलीफों को समझे और उसको सुलझाए। 2 मिनट में अपनी बात खत्म करती हूँ क्योंकि 48 बनने का ये हमारा न्याय पत्र हर उस समस्या का समाधान है जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 साल में आप पर बरपाई है। वो 45 साल की बेरोजगारी है, वो कमर तोड़ महंगाई है, वो बदहाल किसान है, वो मजबूर मजदूर है, वो असुरक्षित महिलाएं हैं। हमारा न्याय पत्र युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हर उस चीज की बात करता है। हम सबसे ज्यादा बात करते हैं 30 लाख रोजगार की जो खाली पड़े हैं। 15 अगस्त से वो नौकरियां भरनी शुरू होंगी, ये वादा है अखिलेश यादव जी का, ये वादा है राहुल गांधी जी का। कहते हैं कि गरीब महिलाओं के खाते में 5 जुलाई से हर महीने खटाखट 8500 रुपए महीना, मतलब 1 लाख रुपए साल का जाने वाला है। हम वादा करते हैं आप किसानों से, मैं किसान की बेटी हूँ, आपको MSP का लीगल गारंटी मिलेगी, आपकी खेती GST से मुक्त होगी और उन्होंने 16 लाख करोड़ पूंजीपतियों के माफ करे, हम आपका कर्जा माफ करने जा रहे हैं। ये हमारा वादा है, ये कोई जुमला नहीं है। मैं वादा करती हूँ कि मनरेगा का मानदेय 400 रुपए प्रतिदिन होने जा रहा है और मैं एक और वादा करती हूँ आपसे, 5 किलो राशन की रट मोदी जी लगाते हैं। वो कानून UPA की सरकार ने बनाया जिसमें समाजवादी भी शामिल थे, कांग्रेस भी शामिल थी। हम 5 किलो नहीं, हम 10 किलो राशन आपको देने जा रहे हैं। हमने कर्नाटक में ये किया, हमने तेलंगाना में ये किया और हम फिर से ये करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहने जा रही हूँ, इस देश में बाबा साहब के संविधान ने, गांधी के संविधान ने, नेहरू के संविधान ने, पटेल, बोस, आजाद, भगत सिंह के संविधान ने आपको ताकत दी है। आप पिछड़े हो, दलित हो, आदिवासी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम जातिगत जनगणना कराएंगे और हम तय करेंगे कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हक मिले। हमारे पिछड़े, दलित, आदिवासी भाई और गरीब सामान्य वर्ग के लोगों के लिए भी नीतियां बने। हम हर वो काम करेंगे जो जनता के लिए होगा, जो जनता की भावनाओं को सुरक्षित रखेगा। मैं अंत में सिर्फ एक लाइन अपने नेता के लिए जरूर कहना चाहती हूँ और मैं ये कहूंगी कि जो व्यक्ति इस देश को जोड़े रखने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई की दो दो यात्राएं कर सकता है, वो इस देश को जोड़े रखने के लिए, इस संविधान को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राण की बाजी देने को तैयार है। इंडिया गठबंधन का हर नेता कहता है खून का आखिरी कतरा इस संविधान की रक्षा करेगा। तो जाग जाइए, अपने वोट की ताकत को पहचानिए, वीरेंद्र चौधरी जी को अपना सांसद चुनिए और हर उस समस्या का समाधान करिए जो पिछले 10 साल में इस देश पर लादी गई है। अमन भाई ने यहाँ से एक लाइन पढ़ी, मैं उसमें थोड़ा सा, सरों पर इतिहास हमेशा बनता है। और युवाओं सुनिएगा, जिस ओर जवानी मुड़ती है उस ओर जमाना मुड़ता है। तो एक बार डटकर सब लोग साथ मिलकर मन बना लीजिए, हौसला बुलंद करिए। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और 4 जून को ही महाराजगंज अपने बेटे, अपने भाई, एक युवा जुझारू व्यक्ति वीरेंद्र चौधरी जी को अपना सांसद चुनेगा। आपने मेरी बात सुनी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मी बहुत हो रही है, अपना ख्याल रखिएगा और एक बार जोर से मेरे साथ बोलिए, जय हिंद।